सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो मैं तो बढ़िया हूँ यार। और जैसलमेर के बाद तो सॉरी वीडियो नहीं बने, बट जैसलमेर में अच्छा रिस्पांस रहा आपका और मुझे भी अच्छा लगा था उस ट्रिप में। खैर आज मैं फिलहाल इंदौर में ही हूँ। मेरा नाम राजीव द्विवेदी, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो। और आज जो है इंदौर में, एक्चुअली इंदौर में बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, बट अब खैर ना कोई बताता है ना कोई जाता है, तो ऐसा सीन है। लेकिन हम बताएंगे आज, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज। ट्रैकिंग जो होगी, ओवरनाइट कैंपिंग होगी वहाँ पर, और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, तो सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं फिलहाल। लेकिन चल लेते हैं। और मेरे साथ हैं सर। हेलो। उमेश सर हैं हमारे, मतलब एक गाइडेंस भी हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारे सीनियर भी है, मतलब हर कुछ है। तो इनके साथ जा रहा हूँ, जैसे जैसे और लोग मिलेंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे आपको। तो आज बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना, मजा आएगा। कैमरा लेके नारन कागन जाते हैं, इस कर दू के रोडो पे है। फाइनली पहुंच चुके हैं महू, आ चुके हैं हमारे कुछ लोग। कहाँ जाने वाले? हम जाने वाले हैं धवलगिरी के पास में, एक अपना हमारी खुद की कैंप साइट है, वहाँ जाने वाले हैं धवलगिरी के पास में। तो बाकी डिटेल तो हम आज जानेंगे, पूरी रात बहुत मजे आने वाले इस ट्रैवल ब्लॉग में। तो चलो, फिलहाल जो गेट टुगेदर हो रहा है वो एक्चुअली महू स्टेशन के सामने हो रहा है। तो सामने से मैंने सोचा यार चलो महू स्टेशन भी दिखा दे। और ये हमारी छोटी लाइन, एक्चुअली बहुत छोटी है, मतलब ये जो पटरी होती है बड़ी वाली उसकी आधी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सीन रहता है इसका। और ये ट्रेन है, इसमें मालगाड़ी भी लगा रखी, वाह भाई खींच लेती है पक्का, खैर मुझे नहीं पता। और ये स्टेशन का कुछ लुक है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है। और ये वाली जो पेंटिंग है ना भाई साहब, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है जहां हम जाने वाले हैं पाताल पानी के पास। अगर बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा तो ये इस तरह से टनल से निकल के ट्रेन आती है, और बहुत सारी, एक टनल नहीं बहुत सारी हैं, तो काफी अच्छा लगता है इस रूट पे। तो आपको मौका मिले तो कभी इस ट्रेन से जरूर सफर। ये जो लोग हैं कैमरा लेके नारन का। तो लोगिन भैया फिलहाल आज का थोड़ा आइटनरी अगर शेयर कर पाए तो अच्छा रहेगा, मतलब क्या क्या करेंगे हम वैसे? अभी देखो हाल फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं ठीक है। हाँ, कैंप साइट हमारा खुद का ही है वहाँ पे। ओके। हम वहाँ पे हमेशा कैंपिंग करते हैं, वीकली हमारा ऑलमोस्ट होता है। तो अभी आप लोग सब इंदौर से आए हो तो फिर आप लोगों को भी बताएंगे, अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली जो लोकेन भैया सपोर्ट करेंगे। इंदौर के हैं तो खैर बाहर के तो आपने अपनी चॉइस है। हमने बाहर वाले भी काफी लोग आए जिनको हमने कैंपिंग करवाया है। अच्छा, तो हाँ कैंपिंग का ऐसा कुछ सर, यहाँ से सीधे ले लीजिए, सीधे ना? हाँ सीधे ले लीजिए। और मेनली तो मुझे बहुत एक्चुअली एक्साइटमेंट हो रहा है ये चीज सोच के कि यार शाम को होगा क्या, मतलब यहाँ से जाने के बाद अंधेरा होगा, अंधेरे के बाद क्या क्या करेंगे, वो चीज की बहुत एक्साइटमेंट आ रही है। क्योंकि अब सोच रहे हैं, सिर्फ अलग अलग चीजें सोचने में आ रही है, बट एक्चुअली क्या होगा वो तो वहां जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, खैर मुझे भी साथ ही साथ पता चलेगा। तो चलो देखते हैं समय के साथ। इस कर दू के रोडो पे है, जी पे जी पे चलाते हैं, के जैसा ऊंचा अपना नाम करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पोटैटो चिप्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो हो रहा है। और ये सूख रही है, एक्चुअली मुझे लगा कि खेत है बट ये सूख रही है आलू की चिप्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये पूरे एरिया में, मतलब पूरा वो पहाड़ लगा हुआ, वो चिप्स का पहाड़ है, 4 किलोमीटर के एरिया में पूरा यही होता है। चूंकि हम जा रहे हैं कैंपिंग करने, और कैंपिंग करने मतलब यार फूड भी, एक्चुअली फूड भी हम वहीं बनाएंगे, तो उसके लिए जरूरत होगी हमें कंडे की। सो फाइनली व्यू स्टार्ट हो गए हैं, और कुछ इस तरह का लुक आने वाला है। खैर बारिश होती है और लश ग्रीन वाला माहौल होता है तो बड़े मजे आने वाले हैं, बट जो भी देखेंगे आप अच्छा ही देखेंगे। व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं कैंपिंग साइट में, थोड़ी दूर है मेरे हिसाब से। सो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं कैंपिंग साइट पे, बहुत एक्साइटमेंट है भाई, मतलब मजे ही आने वाले हैं मुझे तो। और अब अगर मुझे आएंगे तो मतलब आप लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल वैली दिखाऊं, कुछ इस तरह की वैली है हमारे बैक साइड में देखने को, और वहाँ पर ब्रीज वगैरह अभी देखने को मिल रही है, और जो कि लेटेस्ट में अभी नई बनी है। और फिलहाल ये इस साइड मेरे खेत हैं, और इस साइड से पूरी वैली का सीन है।
अगर ये यार भाई बारिश के मौसम में आए होते ना अलग ही मज़े होते। बट खैर अभी मज़े आएंगे जितना हो सकता उतना। और कार उधर खड़ी कर दी है जो सर की है। फिलहाल हम जा रहे हैं साइड पे, आज वहाँ पर दाल बाटी का भी प्रोग्राम है तो वो भी दिखाएंगे आपको कैसा क्या होता है। तो ये है सीन, बाकी आप देखते रहेंगे। हमारे साथ कैंप के एडमिन, इस कैंपिंग के टीम लीडर, और नाम? मेरा नाम लोकेंद्र सत्थापी है। और बाकी राजीव बताएगा, मैं खुद की तारीफ खुद के मुंह से नहीं करूंगा। खैर हम करेंगे आज, आज आज पूरी रात तारीफ ही होने वाली है। और अगले, इट्स मी शैलेंद्र सिंह। सो दिस इज सुरेंद्र। ओके, उमेश सर है हमारे, और सागर प्रतीक फ्रॉम मऊ। ओके, ये हमारे यूट्यूबर हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, और ये हमारी पोती हो रही है। फाइनली हमारी साइट कहाँ पर, यहीं क्यों भैया? यहाँ पर कहाँ पर कैंपिंग होगी हमारी? यहाँ होगी एग्जैक्टली। और ये व्यू होगा, हम रात भर देखेंगे, वहाँ नदी है आप देख सकते हैं। कल हम वैसे जाएंगे कहाँ लोकेन भैया? नीचे वो गांव वगैरह दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे। और वो है टनल जो हमारी ब्रॉडगेज, या कौन सी ब्रॉडगेज हो गई ना आप तो। और यहाँ पर एक ब्रिज भी बनी है काफी सुंदर सी। तो ये नज़ारे होने वाले भाई साहब, मॉर्निंग में और अच्छा लगेगा, मॉर्निंग में दिखाऊंगा मैं आपको। सो गाइज अपडेट कर दूं फिलहाल, यहाँ पर ये है हमारे बाटी के गोले। और ये गोले ऐसे हैं कि अकबर के जमाने में इतने बड़े बड़े चलाए गए थे, खैर किलों से। और यहाँ पर हो रही है, यहाँ बोन फायर नहीं एक्चुअली, ये दाल फ्राई कर रहे हैं शायद। तो फिलहाल एक एक्चुअली हम आज के वीडियो में एक टेंट के अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और वो टेंट अभी खुला नहीं, खैर खुलेंगे। ये कितना 3% का लग रहा है? हाँ, ये 3 months। अरे रुको, सलाद के ये दे रहा हूँ। तो ये खाना जो है हमारा, थोड़ा सर इधर दिखाना थोड़ा। अरे हाँ इधर दिखा दो, यहाँ पे सलाद है। लो भाई साहब ये सलाद रख दो इसमें, और ये बाटी है। इधर दिखाना जरा, इधर देखना। लो देखो, तो ये कुछ इस तरह का खाना है। खैर अब बाद में बात करते हैं, इससे आपको पता लगेगा सही क्या है। अरे सर कितनी बीप लगाऊंगा इस वीडियो में आप? सॉरी भाई सॉरी, वैसे मैं गाली देता हूँ लेकिन क्या निकल नहीं, दो दो आप, लेकिन बता दो पहले। मैं एक्चुअली देख आप लोग को देखा हूँ लेकिन मुझे दिख कुछ और रहे हैं। तो वो भावना 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 अंदर से हंसते कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। कहाँ पर ये टनल है? टनल नंबर क्या है वैसे? तो आप टनल पे फोकस करो, ज्यादा नहीं दिख पा रही है। टनल नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो हम चलते हैं फिलहाल। टाइम कोई अपने फोन में बताएगा क्या मुझे? सो राइट नाउ इट्स 12:20। और फाइनली सामने हमारे टनल आ चुकी है। टनल का नाम पढ़ाएंगे पूरा आपको, खैर और आज का हाँ एक मिनट ये होपफुली दिख जाएगी। ये देख सकते हैं, पूरा दिखाना भैया। घोड़े की नाल लिखा हुआ है, हाँ वो एग्जैक्टली। और टनल नंबर पे, टनल नंबर 3 लिखा हुआ, आप फोकस करना एक बार। टॉर्च टॉर्च नीचे, हाँ टनल नंबर 3 वो व्हाट टनल नंबर लिखा है कैसे मालूम? सर लाइट रखनी है तो अमित भाई आप रहो सबसे पीछे, और आपके पीछे भले मैं चलता हूँ। हाँ एक जना रखो थोड़ा सही, सबसे पीछे, बाकी सब आगे, बाकी किसी लाइट नहीं। नहीं नहीं कोई, मैं तो बंद कर दी टोटल लाइट। कैमरा चालू रखो, बिल्कुल बंद कर लो। सो फिलहाल हम इंटर कर रहे हैं टनल में, और साउंड इफेक्ट जो इको हो रहा है उससे आप सुन सकते हैं। सो गाइज अभी टाइम दिखा देता हूँ, ये केतन भाई का फोन है, होम पेज पे जाना। क्या टाइम हुआ है? 12:24 हुई है। फिलहाल हम जहाँ पर हैं वो है महू की रेलवे की टनल। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो बात कर रहे हैं, इस वजह से इको हो रहा है। और ये देखो भाई, ये टनल का पूरा सीन है। और हम वैसे 7-8 लोग हैं, और टनल मेरे हिसाब से खत्म हो गई। वाह, पूरी टनल हमने क्रॉस कर ली रात में ही। वैसे 12:30 हैं अभी, और ट्रैकिंग करने आए हैं आज। सो
सो फिलहाल हम आ गए थे पानी भरने के लिए और हमारे यूट्यूब पर डालने वाले हैं। अरे हाँ हाँ भरो। तो हमारे खतरों के खिलाड़ी अभी पानी भरेंगे यहाँ से, क्योंकि ये नेचुरल वाटर है, मतलब जमीन से अपने आप क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों से निकला हुआ पानी, निकला हुआ है ना। तो ये भर रहे हैं फाइनली, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और हम अब सोने जाएंगे। तो होपफुली मॉर्निंग में उठ के सनराइज देखेंगे, देन उसके बाद जो भी प्लानिंग होगी वो आपके साथ आइटिनरी शेयर होगी उसकी। तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, मजा आने वाला है। फिलहाल तो अभी नींद नींद से आंखें हो रही, तो सॉरी उसके लिए। चलो मिलते हैं कल के दिन।